एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत एक हाउस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम बहुत कम ही लोगों को पता है। बहुत ही खूबसूरत डार्क पर्पल कलर की पत्तियों वाला प्लांट, वॉन्डरिंग ज्यू। इसके बहुत सारे नाम हैं, ट्रेड्स केन्शिया ज़िब्रीना, इसको ज़िब्रीना नाम से भी जानते हैं, पर्पल क्वीन, स्पाइडर वॉर्थ, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। इस प्लांट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसको कैसे ग्रो करते हैं, इसकी सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट, सारी डिटेल्स के बारे में। इस प्लांट को इंच प्लांट नाम से भी आप जानते होंगे। ज़िब्रीना इसका बहुत ही कॉमन नाम है। और क्यों है इसका नाम ज़िब्रीना वो बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसकी पत्तियों का पैटर्न ज़ीब्रा पैटर्न जैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियाँ, ऊपर से ज़ीब्रा पैटर्न वाली और पीछे से डार्क पर्पल कलर में दिखती हैं। अगर हम बात करें कि इस खूबसूरत पौधे के फॉलिएज का कलर मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, तो इसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। अगर आप इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे जहां इसको धूप नहीं मिलेगी, तो इसकी पत्तियां धीरे धीरे फेड होकर के ग्रीन कलर में टर्न हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है ये। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट या फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह पर, कम धूप वाली जगह पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट है मैक्सिको को बिलोंग करने वाला, मतलब नेटिव इसका मैक्सिको है, लेकिन बहुत आसानी से ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो हो जाता है। इसको यूजली ग्राउंड कवर की तरह यूज़ करते हैं, मतलब ज़मीन पे बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये प्लांट है, तो ग्राउंड कवर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही ईजली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर और मेंटेनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम बात करें इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की, तो इसे ना के बराबर फर्टिलाइज़ भी अगर आप करेंगे तो भी ये बहुत आसानी से राउंड द ईयर इतने ही ग्रोथ के साथ फैलता रहता है। इसका कोई डॉर्मेंसी पीरियड नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहता है। लेकिन हाँ, गर्मियों में जब थोड़ा सा वेदर वार्म होने लगता है तब इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये पौधा देखने में जितना ही खूबसूरत लगता है, इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़ा टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए और पेट्स के लिए, दोनों के लिए। तो अगर हम बात करें कि किस किस लेवल का टॉक्सिक है ये, तो अगर आप इसकी पत्तियां, चाहे ह्यूमन हुए या पेट्स हुए, अगर इन्होंने खा लिए तो थोड़ा इरिटेशन होगा माउथ में और स्टमक में। अगर हम बात करें कि इस प्लांट को आप इतना बुशी कैसे बना सकते हैं कि हैंगिंग बास्केट्स में अगर आप इसे ग्रो करें तो बहुत ही फैल के ये ग्रो करें, तो उसकी एक ही ट्रिक होती है जो लगभग हर प्लांट के लिए होती है। इसकी पिंचिंग आपको बराबर करनी पड़ेगी। पिंचिंग का मतलब है जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हैंग करने लगे तो आप इसकी कुछ स्टेम्स को स्निप ऑफ करते जाएँ। स्निप ऑफ करने से क्या होगा, साइड से, नोड से और नई ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे आपका प्लांट भर जाएगा, फुल दिखेगा, डेंस दिखेगा। तो पिंचिंग करते रहने से आपका प्लांट जल्दी ग्रो करता है, ज़्यादा फुल दिखता है, और इस तरीके से ये देखने में खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट्स में। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। लीफ में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा लीफ कलर में, जैसे इसमें कुछ एक पैटर्न सेम रहेगा, ज़िब्रीना पैटर्न ही रहेगा, लेकिन कलर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डार्क पर्पल कलर का कुछ होती हैं, ग्रीन के शेड्स में आती हैं, कुछ एक होती हैं डार्क रेड या मैजेंटा कलर की लीव्स का। बात करें अगर इनमें फ्लावरिंग की, तो जी हाँ, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी है, कुछ में डार्क पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, कुछ में लाइट पिंक कलर के, और कुछ में वाइट कलर के। अगर हम बात करें कि इसको ग्रो कैसे करना है, तो बहुत आसान है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको करना ये है, सिर्फ इसकी छोटी सी भी अगर आप कटिंग लेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी भी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए हमें एक ही बात होती है जिसका खास ध्यान देना होता है, वो होता है नोड्स। नोड्स यानी जॉइंट्स, जहाँ से नई शूट निकलती है, पौधा ग्रो करता है, यहीं से रूट्स भी निकलेंगी। तो अगर आप कोई भी कटिंग लें तो ध्यान रखें कम से कम एक या दो नोड उसमें ज़रूर हों। तो इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है कुछ जॉइंट्स के साथ में। तो हमने इस तरीके से कटिंग ले ली, इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। इन्हीं जॉइंट्स से हमारे पौधे फर्दर ग्रो करते हैं, नई शूट्स निकलती हैं। तो अब आपको करना क्या है, नीचे की एक लीफ को आप कट कर दें जिसे आप सॉइल में आराम से लगा सकें इस तरीके से, और अब आप इसको आराम से किसी भी तरीके के सॉइल में आराम से इंसर्ट कर दें और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा।
तो बस आप इस तरीके से इसकी कटिंग लें और इसको आप किसी भी तरह के सॉइल में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है ये, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है आपको इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है। एक दो दिन अगर आप मिस भी कर देते हैं इस प्लांट को वाटर करना, तो भी ये बहुत ही फॉरगिविंग नेचर का होता है, मतलब सूखेगा नहीं, आराम से ग्रो करता रहेगा। हैंगिंग बास्केट्स में, किसी भी तरीके के पॉट्स में इस तरीके से आप इसको डालें, किसी भी तरीके के सॉइल में, ऑलमोस्ट हर जगह बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। तो ये थी कुछ जानकारी इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और ये प्लांट आप ज़रूर लेकर के आएँ, कहीं ना कहीं से आपको कटिंग मिल जाएगी और अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।